हे गाइस, जय माता दी, जय जिनेंद्र, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जा रहे कष्ट भंजन हनुमान दादा के दर्शन करने। फाइनली हम कष्ट भंजन हनुमान सारंगपुर पहुंच गए। दादा के दर्शन पूरे हो गए और इतने अच्छे से दर्शन हो गए। हे गाइस, जय माता जी, जय जिनेंद्र, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग शुरू करें स्ट्रेट अवे घर से। सो फिलहाल बज गए शाम के 6 और मेरे फ्रेंड्स आ चुके नीचे। हम आज जा रहे हैं कष्ट भंजन हनुमान सारंगपुर दादा के पास दर्शन करने के लिए। और हम जा रहे हैं आज बाय रोड। अराउंड 7 to 8 आवर्स की जर्नी है उमरगांव टू सारंगपुर। तो हम रात को लेट से पहुंचेंगे। बहुत ज्यादा धमाल मस्ती होने वाली है फुल ट्रिप में और आपको बहुत अच्छे से दर्शन भी करवाएंगे सारंगपुर दादा के। पूरा ब्लॉग बने रहिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। तो मिलते हैं आपको आगे ब्लॉग में। जी गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं सूरत और अभी हमने यहाँ पे गिरिराज काठियावाड़ी यहाँ पे ब्रेक लिया है। सो यहाँ पे करेंगे डिनर और फिर निकलेंगे आगे। तो हेमलोक जी, फाइनली हमारा हो चुका है डिनर और अभी हम है सूरत और रात के बजे है 10। सो फाइनली हम यहाँ से निकल रहे हैं और जा रहे बोटाड़ की ओर। और यहाँ से कुछ अराउंड 5 to 6 आवर्स का जर्नी बाकी है। बजे है 2 और फिलहाल हम पहुंचे बोटाड़ से कुछ एक घंटे की दूरी बाकी है। तो पहुंचते 3:30 हो जाएंगे। सो पहुंचते और आपको मिलते हैं। सो हेमलोक जी गाइस, फाइनली बज रहे रात के 3 और हम रुके थे यहाँ पे होटल खोडियार में। मस्त है यहाँ पे, सुबह सुबह का गरम नाश्ता हो गया और फिलहाल हम जा रहे हैं सारंगपुर के। और यहाँ से कुछ 40 किलोमीटर बाकी है। सो जाते और मिलते। सो फिलहाल हम जा रहे हैं रूम बुक करने के लिए। तो सुबह के बज रहे हैं 4। सो देखते हैं यहाँ पे रूम मिलेगा कि नहीं। सो रूम लेते और फिर हम रेस्ट करेंगे आधा एक घंटा और फिर सुबह के पहली आरती लेंगे। तो हेमलोक जी, फाइनली हमको मिल चुका है रूम और सुबह के बज रहे 4, फिर भी इन्होंने हमें रूम अलॉट करके दिया और आप रूम टूर देख सकते हो सुबह। ये हमारा छोटा सा रूम, मस्त 4 बेड, एसी और फुल इतना बड़ा स्पेस है बाथ के लिए, वॉशरूम। सो गाइस, फाइनली ये लोग सब अभी सो रहे हैं यहाँ पे और मैं जा रहा हूँ कष्ट भंजन हनुमान दादा की आरती के लिए। तो अभी बज रहे 4:30 बजे की सुबह की पहली आरती होती है दादा की। तो मैं जा रहा हूँ नहाने, होता हूँ रेडी और आपको मिलता हूँ और निकलते हैं दर्शन के लिए। सो हेमलोक जी गाइस, फिलहाल बज रहे सुबह के 5 और हम जा रहे हैं कष्ट भंजन हनुमान दादा के दर्शन करने। सुबह की पहली आरती होती है वो देखने के लिए। तो आप भी चेक करिए सुबह की पहली आरती कैसे होती है। गाइस, फिलहाल बज रहे सुबह के 5 और हम आ चुके तैयार होके कष्ट भंजन हनुमान दादा की सुबह की आरती देखने के लिए। तो हेमलोक
जी गाइस, फिलहाल बज रहे सुबह के 5 और बाकी सब सो गए रूम में। मैं फटाफट तैयार होके आ गया हूँ कष्टभंजन हनुमान दादा की सुबह की पहली आरती लेने के लिए। सो यहाँ पे लाइन लग चुकी है, तो हम लोग फिलहाल अभी लाइन में लगते हैं और आपको दिखाते सुबह की पहली आरती, आप भी दर्शन करिए। जय श्री राम। फाइनली दर्शन हो चुके हैं, सुबह का द्वार उद्घाटन और सुबह की पहली आरती के दर्शन इतने मस्त हुए, इतने पॉजिटिव वाइब्स है। लिटरली फर्स्ट टाइम इन द लाइफ कष्टभंजन हनुमान दादा के ऐसे दर्शन देखे मैंने। सो हे गाइस, फिलहाल हम हो चुके हैं तैयार और अभी हम जा रहे हैं सारंगपुर दादा के फिर से दर्शन करने के लिए। सो हम हो चुके थे तैयार और आज का जो ये रूम था हमको सारंगपुर धाम में ही मिल गया था, मतलब कष्टभंजन का मंदिर है वहीं पे हमको मिल गया था और ये रूम हमको पड़ा था 1500 रुपये का। तो हे गाइस, फिलहाल हम जा रहे कष्टभंजन हनुमान दादा के दर्शन करने फिर से। सुबह में आया था, आपने चेक की आरती, बहुत ही अमेजिंग दर्शन हुए थे। अभी फिलहाल सभी के साथ वापस आए दर्शन करने। फाइनली कष्टभंजन हनुमान दादा के दर्शन हो चुके और हम जा रहे हैं अभी प्रसाद लेने के लिए। इतने अच्छे दर्शन हुए लाइफ में, फर्स्ट टाइम सारंगपुर में आके सुबह की पहली आरती, द्वार उद्घाटन, उसके बाद दूसरी बार द्वार उद्घाटन मिला और इतने अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छा लग रहा है। सो हे गाइस, फिलहाल हम आए यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए, तो यहाँ से थोड़े बहुत सामान लेते और फिर चलते महाप्रसाद के लिए। तो हे गाइस, फाइनली शॉपिंग हो गई है और अभी हम जा रहे हैं महाप्रसाद की ओर। फाइनली हम आ चुके हैं महाप्रसाद के लिए, यहाँ पे प्रसाद देते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और इतना अच्छा प्रसाद मिलता है यहाँ पे, सो प्रसाद लेते हैं। सो हे गाइस, फाइनली महाप्रसाद लेके आ चुके हैं और फिलहाल हम जा रहे हैं फोटोशूट करने और थोड़ा घूमने आजू बाजू। तो आप सिनेमैटिक चेक करिए और बताइए आपको ब्लॉग कैसा लगा। हम लोग
जी गाइस फाइनली सारंगपुर दादा के, कष्टभंजन दादा, हनुमान दादा के दर्शन पूरे हो गए और इतने अच्छे से दर्शन हुए कि सुबह की सबसे पहली आरती, द्वार उद्घाटन, उसके बाद जब हम दूसरी बार दर्शन करने आए तभी के सबसे पहले द्वार उद्घाटन, सबसे पहले दर्शन हमारे हुए, इतने अच्छे से दर्शन हुए, बहुत मजा आया। आपको इस वीडियो में जरा सा भी मजा है तो प्लीज जाकर इस वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब कर देना, हो सके इतना वीडियो को शेयर करना, और प्लीज अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज जाकर एक बार सब्सक्राइब कर देना इस वीडियो को, बहुत मेहनत लगती है। बाकी जल्दी मिलेंगे किसी एक अच्छे से ब्लॉग में, टिल देन आपके और आपके परिवार का ध्यान रखना। बाय 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 बाय।